नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार प्रजापति स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज यूपी टेट 2018 की प्राइमरी और जूनियर लेवल की परीक्षा थी। प्राइमरी लेवल का पेपर हमको मिला है व्हाट्सएप पर। मैं प्रयास किया हूं कि आपको व्याख्यात्मक इसका सॉल्यूशन और सही दे सकूं। तो आइए, इसका ये बुकलेट सीरीज नंबर एक है, ए है। तो इसका क्वेश्चन 91 से शुरू है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पी का पी प्रतिशत 36 हो तो पी किसके बराबर होगा। तो बिल्कुल सिंपल से बात है, पी एक संख्या है, इसका पी प्रतिशत यानी पी बाई 100 ये 36 के बराबर है। देखिए, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3600, तो पी बराबर हो जाएगा 60। 3600 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ गया 60। क्वेश्चन नंबर ये 92 है, 2352 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 7 के पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में ये 2352 को हम लोग खंडों में तोड़ लेंगे। तो इसको आप तोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 2 आएगा, और ये बराबर है 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z के। अब यहां पर देखिए, यहां भी 237 है, यहां भी 237 है, इनके पावर्स को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहां पर 2 के पावर 4 है तो x 4 के बराबर हो जाएगा, y 1 के बराबर और z 2 के बराबर। तो इनका योग पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, तो 4 धन 1 यानी 5, 5 में 2 और जोड़ेंगे तो 7, तो इसका आंसर आ गया 7। अगला क्वेश्चन है कि 100 के सम भाजकों की संख्या क्या होगी। भाजक मीन्स जो 100 को काट सकते हैं, तो 100 को काटने वाले देखिए कौन कौन अंक हो सकते हैं। एक भी काट देगा, दो भी काट देगा, चार भी काट देगा, तीन से 100 नहीं कटेगा, पांच से कट जाएगा, छह से नहीं कटेगा, आठ से नहीं कटेगा, नौ से नहीं कटेगा, दस से कटेगा, दस के बाद बीस से कटेगा, फिर पच्चीस से कटेगा, फिर पचास से कटेगा और अंत में 100 से ही कटेगा। अब यहां पर पूछा है कि ये सब इसके भाजक हैं, इन भाजकों में जो सम भाजक है उनकी संख्या कितनी है। तो सम भाजक में देखिए, ये 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है और 100। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम भाजक हैं इसके, मतलब इवन नंबर डिवाइजर्स हैं। तो इसका आंसर हो गया 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर का जो घन है उसका आयतन निकाल लेंगे, तो आयतन क्या होगा, भुजा का घन होता है, यानी 15 × 15 × 15। इस आयतन में यानी बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे, तो छोटे घन का एक भुजा 3 है तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा। अब देखिए, 3 से 15 पांच बार में कट गया, फिर इस 3 से ये 5 बार में, फिर इस 3 से ये 5 बार में, तो 5 × 5 × 5 यानी 125। तो 125 कुल घन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको देखिए विकल्प से कैसे जल्दी कर सकते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या उसका शेष नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं होगा। उस संख्या से बड़ा शेष नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर 3 का कोई भी पावर 7 से कट जाएगा, अगर पावर कट जाएगा तो 0 उसका शेष आएगा, तो इसका शेष 0 होगा ही नहीं, क्यों कटेगा नहीं, तो इसका आंसर 6 होगा। लेकिन लगा कर कैसे देखेंगे हम, देखिए जैसे ये 8 है, 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, ये भाग देने पर शेष 1 आएगा। इसी कंसेप्ट का हम यहां यूज करेंगे कि 3 का ऐसा कोई पावर हमको मिल जाए कि जिसमें भाग देने पर शेष 1 आए, तो 3 के पावर 6 करने पर 729 होता है। 729 में 7 का भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। देखिए, 7 × 7 तो 0 बढ़ा करके ये पूरा 29 उतर जाएगा, 7 × 4 = 28, 1 शेष आएगा। ये हमारे लिए काम की चीज हो गई। तो अब देखिए, 3 के पावर 6 का पावर अब 6 से 1989 में भाग देंगे, 6 से 1989 में भाग देंगे
तो 6 3 18, 9 में से 8 गया 1, भी 18, 6 3 18 और 6 1 6, यहां 3 शेष बच जाएगा, ये 9 आएगा और लास्ट में 3 शेष बचेगा। तो अब देखिए ये 3 के पावर 6 का पावर 331 गुणे 3 के पावर 3 बटा में 7 हो जाएगा। यहां पर भाग देने पर शेष 1 आएगा, 1 का चाहे जितना पावर करेंगे एक ही आएगा, तो कुल मिलाकर के ये 27 का बटा 7 हो गया। 27 में 6 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 6 आएगा, तो इसका आंसर 6। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए बहुभुज के टोटल कोणों का योग होता है n-2 × 180, n भुजाओं की संख्या होती है, तो ये दिया हुआ है 2160 के बराबर। अब देखिए ये जीरो से जीरो काट दीजिए, ये 18 1 18 और देखिए यहां पर 3 18 2 36, ये 12 बार में कट जाएगा, तो n बराबर देखिए 2 इधर जाएगा, 12 पहले से, तो n बराबर 14, तो n बराबर 14 यानी 14 उसकी भुजाओं की संख्या होगी। सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसमें कई बार चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 है, इसमें 1 सही 1/2, फिर 11 सही 1/2, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए 1 सही 1/2 को हम लोग लिखते हैं 1 धन 1/2, इसी कंसेप्ट का यूज करना है। तो यहां 1 धन 11 धन 111 धन 1111 धन 1/2 देखिए 4 बार आएगा, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2, ये 4 बार आएगा। अब देखिए यहां से यहां तक का जो योग होता है वो बहुत आसान होता है, 1 2 3 4, ये संख्या ही पूरी गिनती लिख दीजिए, ये योग हो जाता है, और ये आधा आधा 4 बार लिखा जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 1236 के बराबर आ रहा है, तो 1236 इसका आंसर होगा। अब देखिए यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a*b = a²+b²- ab है, तो 9*10 का मान क्या होगा, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और 10 का वर्ग करेंगे तो 100, इसमें से 90 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 91, तो 91 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 100 है। देखिए x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो x²+xy+y² हमेशा धनात्मक संख्या होगी, ये आप इसे चेक भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, ये एक चित्र बना करके सीरीज बनाया गया है, इसमें खाली स्थान यहां को बताना है। देखिए इसको जोड़ रहे हैं, 4 3 7 6 1 7 ये आ रहा है, 3 2 5 और 4 1 5 ये भी आ रहा है, 8 7 15 9 6 15, तो यहाँ 6 5 11, तो इसका मतलब यहाँ 11 होना चाहिए, तो 11 इसका आंसर हो गया। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a^b = 125 हो तो b^a = क्या होगा, तो 5^3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब 3^5 करना है तो 3^4 81 होता है, और एक और 3 से गुणा, तो 81 में एक और 3 से गुणा कर देंगे तो 3 1 3 3 8 24 243, तो 243 इसका आंसर हो गया। अब ये देखिए 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसमें देखिए ये 1 9 से नहीं विभाजित होगी, 3 से नहीं, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा, ये दोनों आंसर हो सकते हैं क्योंकि 5 4 9 है, 9 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, 5 2 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, तो ये संख्या हम लोग देख सकते हैं कि देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा क्योंकि अंत में 0 है, 3 से कट जाएगा क्योंकि इनका अंकों का योग 3 से कटता है, 4 से कट जाएगा क्योंकि अंतिम 2 अंक 20 है, 5 से कट जाएगा क्योंकि अंत में 0 है, 6 से कट जाएगा क्योंकि 2 और 3 से कट रहा है, 7 से कटेगा तो 7 3 21 और ये 4 42 7 6 42, 7 से कट गया, 8 से कट जाएगा, 8 3 24 और यहां पर 12 आ गया, 8 1 8 4 और 8 5 40, 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 10 से कट जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई जो सबसे कट रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें यह पूछा जा रहा है
यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। आप जान लीजिए कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, यानी 4 तारीख को अगर शुक्रवार है इसमें 7 जोड़ेंगे तो 11 तारीख को भी शुक्रवार होगा, तो हमको इसमें 61 जोड़ना है, या ये 61 इसमें जोड़ देंगे इस 4 में तो ये 65 हो जाएगा, और इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 × 9 = 63 होता है, तो ये 63 नहीं, ये इससे अच्छा ये है कि आप ऐसे समझें कि ये जो 61 है, 61 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 × 8 = 56 और ये हो जाएगा 11 में से 6 गया, 6 × 5 = 11, 5 5 ये विषम दिन बच रहा है, तो इसमें ये 4 तारीख है, 4 तारीख में हर 7 दिन बाद, यानी इस 4 में देखिए, इस 4 में 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, इसी तरह से आप 8 बार 7 जोड़ेंगे 4 में, 8 बार 7 तो वही वही दिन आपको मिलेगा, और 8 बार जोड़ेंगे तो 56 दिन जोड़ चुके रहेंगे आप, तो 56वां दिन जो है शुक्रवार रहेगा, मैंने इसमें जोड़ते जाएंगे, तो अब 57 बचा, 58 बचा, ये 59, 60 और 61, 61 दिन बाद पूछ रहा है, तो ये शुक्रवार है, देखिए 57वां, ये शनिवार होगा, ये रविवार होगा, ये सोमवार होगा, ये मंगलवार होगा, ये बुधवार होगा, तो 61वां दिन बुधवार हो रहा है, और 61 दिन बाद पूछ रहा है, तो 61 दिन बाद जो दिन होगा वो बृहस्पतिवार होगा। 105 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखिए करते हैं, ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, इनको एम एन और पी क्यू दो रेखाएं काट रही है, देखिए ये 120 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो जब ये 60 हो गया तो x बराबर भी 60 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। अब इसको देखिए, ये 110 है तो ये हो जाएगा 70, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 होती है, जब ये 70 हो जाएगा तो ये और ये y, ये एकांतर कोण हो जाएंगे, तो y भी 70 हो गया, 70 में से 60 निकाल देंगे तो 10 डिग्री इसका आंसर है। 106 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य x है, x पर 20% लाभ लेना है, तो यानी 120/100 लाभ लेने पर ये 390 रुपया में बेचा जा रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 390 × 100/120, ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब देखिए ये 13, 3 से काट दीजिए, ये 13 × 39 और ये 3 × 4 = 12 और ये 4 × 25 में कट जाएगा, तो 25 13 × 25 आ गया, 25 × 75 के 5 × 7 = 7, 25 × 5 और 7 × 22 = 32, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 आ गया, यानी 325 रुपया, तो 325 रुपया इसका कास्ट प्राइस होगा। ये क्वेश्चन नंबर 107 है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में क्या होगी। देखिए पहले जनसंख्या 60,000 थी, यानी 5,000 जनसंख्या बढ़ गई, तो 5,000 जनसंख्या किस पर बढ़ी है, 60,000 जनसंख्या पर 5,000 जनसंख्या बढ़ी है, तो 60,000 जनसंख्या व 5,000 जनसंख्या बढ़ी, अगर जनसंख्या 100 होती तो क्या होता, तो यही प्रतिशत में बदल गया, तो देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दीजिए, ऊपर बचा 50, नीचे बचा 6, इसको आप लिख सकते हैं 25/3 और इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3 प्रतिशत वृद्धि हुई। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो चावल खाते हैं, 200 केजी, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे, तो हम लोग इसको एक फार्मूले से बहुत जल्दी लगा सकते हैं, M1D1/W1 = M2D2/W2, M1 देखिए यहां पर 40 व्यक्ति है, 30 दिन दिया है,
वर्ग 200 है, 200 किलो। यहाँ पर M2 30 व्यक्ति दिया है, D2 निकालना है, D2 मैंने दिन निकालना है, और यहाँ पर 500 केजी है। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट दीजिए, ये 30 से ये पूरा 30 कट जाएगा, ये 2 से ये 40 20 बार में कट गया, और D2 बराबर आ जाएगा, ये त्रिय गुणा कर दीजिए तो D2 बराबर आ गया 100। तो 100 दिन इसका आंसर हो गया। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? देखिए, ये जो समचतुर्भुज होता है इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अगर ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये 12 है तो ये 6 हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ट्रिपलेट हम लोग जानते हैं 3 4 5, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6 8 10, तो ये 8 और 6 है, ये 6 8 है, तो ये भुजा हो जाएगी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 110 क्वेश्चन नंबर है, चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है, एबीसीडी एक चक्रीय चित्रभुज है। देखिए, एक वृत्त की प्रॉपर्टी है, ये जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, तो ये कोण 70 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण भी 70 डिग्री हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री हो गया तो ये चक्रीय चित्रभुज है, तो ये कोण 110 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, और यही पूछा है कि एबीसी का मान कितना होगा, तो 110 डिग्री। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या? देखिए, 8 पेन जितने पैसे में खरीदता है 6 पेन उतने ही पैसे में बेच देता है, यानी हर 6 पेन बेच करके 2 पेन के बराबर लाभ कमा रहा है, तो 100 पेन अगर रहते तो क्या होता? तो देखिए, 2 3 6, ये हो जाएगा 100/3, और इसको आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। यहां देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती, माने बीच में नहीं है? तो 3 में 5 से भाग देंगे तो ये आ गया 0.6 और ये आ गया 0.8। इसके बीच में वो संख्या नहीं होनी चाहिए, इसके इधर भले हो और इसके इधर भले हो। तो यहां पर देखिए, ये 190 हो जाएगा, भाग देंगे तो 3 6 18.6 के बाद आएगा, तो इसके अंदर आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 70 में 10 से भाग देंगे तो 0.6 इसका भागफल आएगा, 0.6 से अधिक आएगा, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ये 20 है, 3 6 18, फिर 3 6 18 छह 0.66 आएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो यही एक बचा जो उत्तर इसका हो सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपया है, तो 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना? तो 3 पेन, 1 पेन का दाम मान लीजिए 100 रुपया है, 1 पेंसिल का दाम y रुपया, और 4 1 रबर का दाम z रुपया। तो ये देखिए, 3x + 2y + 4z = 92 रुपया है, और 8 पेंसिल है यानी 8y + 16 रबड़ है यानी 16z, ये बराबर है 68 के। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना, तो पहले वाले समीकरण में 4 का गुणा कर देंगे तो घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12x हो गया, यहां पर देखिए 4 2 8y हो गया, और 4 4 16z हो गया, और 4 से यहां भी गुणा करना है तो 4 2 8 4 9 36, 368 आ गया, और 8y पहले से दिया हुआ है और 16z ये है, ये 68 के बराबर है। अब देखिए, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, यहां बचा 12x = 300 हुआ। तो x बराबर, देखिए x बराबर यानी 3 × 100 लिख लीजिए, काटने में आसानी रहेगी, और 12 को 3 × 4 लिख दीजिए, 3 से 3 कट गया और 4 से ये 25 बार में, तो x आ गया 25। तो एक पेन का दाम 25 रुपया है, तो 24 पेन का दाम पूछा है, तो 24 × 25 हो गया, तो 25 4 100 हासिल 10, 25 × 50 = 10 = 60, यानी 600 रुपया हुआ। तो इसका आंसर हो गया 600। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है 2 कोण और 1 भुजा। ये भुजा एक है, एक कोण ऐसे दिया, मान लीजिए एक कोण इधर से दिया है, तो आप एक त्रिभुज बना सकते हैं।
केवल तीन भुजाएं हैं तभी त्रिभुज बन जाएगा। केवल तीन कोण दिए हो, दो भुजा और इनके मध्य का कोण, एक भुजा ये एक भुजा ये कोण दिया है, तो इनको मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन केवल तीन कोण देने से त्रिभुज बनने में संभावना है, तो ज्यादा सही विकल्प यही है कि ये तीन हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 115। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। इसमें देखिए एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं, प्रतिशत में अंततः प्रतिशत में कितनी वृद्धि होती है, तो m धन n प्लस m गुणे n बटा में 100, ये टोटल प्रतिशत है। यहां पर दोनों प्लस प्लस हैं, तो 50 धन 20 धन 50 गुणे 20 बटा में 100, तो 20 पचे 100 और ये 50 10 बार में कट गया, तो 50 20 70 10 80, तो ये 80% उसमें वृद्धि होगी जो उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में 80% वृद्धि हो रही है, तो 80% को अगर हम लोग भिन्न में बदलें तो 80 बटा ये 100 होगा, एक जीरो से काट दीजिए, 2 6 8, 2 5 10, तो ये वृद्धि उसमें क्षेत्रफल में हो जाएगी, तो 4/5 के बराबर। समान मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फारेनहाइट में यह 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर तीन ज्यादा सही हो सकता है, मैं इसका हल बाद में आपको दे दूंगा सटीक, अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में राशि उची ब्याज से तीन गुनी हो जाएगी। देखिए ये मिश्र धन होता है, मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, ये मूलधन और एसआई यानी ब्याज के योग के बराबर होता है। अगर ये मूलधन ये 2p हो जा रहा है यानी मूलधन का दुगुना हो जा रहा है, तो ये तभी होगा जब SIP के बराबर, जब ये p के बराबर हो जाए, तो ये p के बराबर 10 साल में हो रही है। अगर इसे 3p होना है तो देखिए ये तो p रहेगा मूलधन, तो इसको ब्याज को 2p होना पड़ेगा, तो 10 साल में ये मूलधन के बराबर हो रहा है ब्याज, फिर अगले 10 साल में मूलधन का दुगुना हो जाएगा, यानी अगले 10 साल में नहीं 10 10 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष में ये राशि तीन गुनी हो जाएगी। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त में जो व्यास है वो 80 मीटर है, तो आप इसमें एक वर्ग बना लीजिए, ये जो वर्ग बनता है उसका विकर्ण ही ये व्यास हो जाता है वृत्त का, ये सबसे बड़े क्षेत्रफल का वर्ग इस वृत्त के अंदर है, तो ये 80 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि वर्ग की भुजा हम x मान लेते हैं, तो x ये भी होगी, x ये भी होगी, तो x x का वर्ग करेंगे तो ये इसके विकर्ण के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, तो 2x² = 80 का स्क्वायर, तो x² = 80 का वर्ग करेंगे तो ये 6400 होगा, और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3200। तो x² = 3200 और x² वर्ग का क्षेत्रफल है, यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर 3200 वर्ग मीटर हो जाएगा। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया है, तो पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या है। पाई आरेख कैसे बनाया जाता है, ये पूरा पाई आरेख होता है, इसमें जिसका जिसका वैल्यू रहता है उसी हिसाब से इसमें ये अलग अलग कोण के कोण से बनाए जाते हैं। तो यहां पर 240 जो अंक है वो पूरा टोटल अंक है, यानी 360 यानी पूरे वृत्त के बराबर है, तो 52 अंक कितने का होगा, तो 52 × 360 बटा में 240, एक जीरो से ये काट दीजिए, 12 3 36 और 12 2 24 और 26 2 52, तो 26 × 3 तो 3 6 18 8 हासिल 1 3 2 6 1 7, तो 78 डिग्री के बराबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 120 ही क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन नहीं है। तो मित्रों मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।